गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम टू शौर्य भाई डिजिटल प्लेटफॉर्म, जॉइन टू ऑल स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारी मैथ्स की लाइव क्लास स्टार्ट हो चुकी है, जिसके अंदर हम क्या कर रहे थे, हम पेपर सॉल्विंग कर रहे हैं बेटा। एग्जाम पास में हम पूरा का पूरा पेपर सॉल्व कर रहे हैं। आप कह सकते हैं आपका मेगा टेस्ट चल रहा है, जिसके अंदर हम सारे प्रीवियस ईयर में आए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और जो क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं वो सारे के सारे सॉल्व कर रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारे सामने बोर्ड पे, वो क्या पूछ रहा है हमसे, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज अ पॉलीनोमियल, इनमें से कौन सा एक्सप्रेशन हमारा पॉलीनोमियल है। पॉलीनोमियल मतलब बेटा जिसमें डिग्री ऑफ टू है। आ जाओ सारे बच्चे, आ जाओ, दो मिनट वेट कर लेते हैं। बेटा जिसके ऊपर कोई ना कोई डिग्री हो, चाहे वन हो या टू हो, हम उसको क्या कहते हैं, पॉलीनोमियल कहते हैं। अंडर रूट और माइनस वाली वैल्यूज आपके पॉलीनोमियल के अंदर नहीं आती है। और अंडर रूट में भी किसकी, वेरिएबल की बात कर रहा हूं, नंबर्स की बात, नंबर्स अंडर रूट में हो सकते हैं। वेरिएबल्स देखो, जैसे पहला ऑप्शन है बेटा हमारे पास x है, x की पावर माइनस वन, नहीं ये पॉलीनोमियल नहीं हो सकता। अंडर रूट ऑफ x, नहीं ये भी पॉलीनोमियल नहीं हो सकता। डिग्री ऑफ पावर या तो वन हो या वन से ज्यादा हो, या सबकी डिग्री क्या अलग हो, उसको हम क्या कहते हैं, पॉलीनोमियल कहते हैं। यहां पे हमारा जो वेरिएबल अंडर रूट में आ गया है, यानी आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। देखो एक्स स्क्वायर डिग्री कितनी है, टू है, डिग्री वन, और ये सिक्स हमारा क्या है, कांस्टेंट है। यानी इनमें से पूछा गया है कौन सा हमारा पॉलीनोमियल है, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अंडर रूट थ्री एक्स स्क्वायर प्लस रूट टू एक्स प्लस सिक्स इज आवर पॉलीनोमियल। एटी वन की पावर माइनस थ्री बाई फोर, ये जीरो कैसे आया यहां पे, क्वेश्चन मार्क है बेटा, क्वेश्चन मार्क पे क्या लेके आए हम। ओके, इस क्वेश्चन को समझना पड़ेगा, पता नहीं क्या पूछा था इस क्वेश्चन के अंदर। 81 की पावर माइनस थ्री बाई फोर, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ बेटा, थ्री थ्री या नाइन, नाइन थ्री ट्वेंटी, थ्री की पावर फोर, थ्री की पावर फोर माइनस थ्री बाई फोर, तो ये आपका हो जाएगा बेटा थ्री की पावर फोर बाहर आ जाएगा इन टू माइनस थ्री बाई फोर, फोर से फोर कट जाएगा। मैं ये क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को यहां समझ में नहीं आ रहा कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। अब देखो बेटा, अगर मैं नंबर को नीचे ले लूं, रेसिप्रोकल करते हैं नंबर का, तो पावर प्लस या माइनस हो जाती है, नंबर के साथ कुछ नहीं होगा, पावर आ जाएगी बेटा प्लस की थ्री, एंड थ्री की पावर थ्री इज 27, यानी 1 बाई 27। यानी हमसे कुछ नहीं पूछा था, सिर्फ इसको सॉल्व करना है, यहां से जीरो हटा दो बस, आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। इसीलिए मैंने पहले इसको सॉल्व कर दिया, पूछा क्या गया था, इसकी वैल्यू बतानी है। 81 की पावर माइनस थ्री बाई फोर को अगर हम सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा, वो आता है बेटा 1/27। अगर हम नंबर का रेसिप्रोकल करते हैं तो पावर से या तो प्लस होती है या माइनस हो जाती है, दैट्स इट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ बेटा। अंडर रूट 50 इंटू अंडर रूट 72 की वैल्यू क्या होगी, मल्टीप्लाई के अंदर है दोनों। देखो 50 को अगर मैं तोड़ना चाहूं तो मैं कैसे लिख सकता हूं बेटा, 5 इंटू 5 इंटू 2, ऐसे लिख सकते हैं ना, बिल्कुल आ जाओ। 36 की बात करते हैं, 36 को मैं ऐसे लिख सकता हूं बेटा, देखो 6 इंटू 6, 36 इंटू 2 72, यहां अंडर रूट में से क्या बार आ जाएगा, 5, तो यहां आएगा बेटा मेरे पास 5 रूट 2, और यह अंडर रूट से क्या बार आ जाएगा, यहां पे 6, यहां आ जाएगा 6 रूट 2। अब आंसर क्या है, जल्दी से बताओ। अब देखो नंबर से नंबर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 6 जा 30, रूट 2 इंटू रूट 2 कितना हो जाएगा 2, एंड 30 इंटू 2 कितना आ जाएगा बेटा 6, सॉरी 60, आंसर क्या आएगा हमारे पास, ऑप्शन नंबर ए 60। सिंपल सा क्वेश्चन, मैं हमेशा क्लास में ही कहता हूं, जब भी अंडर रूट मिले अंडर रूट को सॉल्व करना है मत शुरू करो, छोटा अंडर रूट मिले तोड़ना स्टार्ट कर दो, स्प्लिट करना स्टार्ट कर दो, जो पैर बनता है बाहर निकाल दो, जो अंदर रह गया वो अंदर रह गया, खत्म बात, सिंपल सा लॉजिक है। ठीक है,
चलिए आ जाओ नेक्स्ट. इफ एक्स प्लस वन बाय एक्स की पावर टू है, ओके बट हमें दे रखा है एक्स प्लस वन बाय एक्स की पावर टू है, पावर के एज इक्वल टू टू है सॉरी, तो हमसे पूछा गया एक्स क्यूब प्लस वन बाय एक्स क्यूब की वैल्यू क्या होगी. एक्स क्यूब प्लस वन बाय एक्स क्यूब, करो फटाफट सॉल्व. ए प्लस बी का होल क्यूब लगा देना, आंसर आना सामने दिखेगा आंसर. या तो आप एक काम करो, एक्स की वैल्यू निकाल दो. दो ऑप्शन है हमारे पास, दोनों में से कोई भी सॉल्व कर सकते हैं हम. देखो पहला है कि बेटा इनका एलसीएम लो, यहां आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स इक्वल टू क्या आएगा टू. टू को उधर भेजेंगे क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू टू एक्स. टू एक्स को इधर लिया बेटा तो टू एक्स उधर लाएंगे आएगा एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो. बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन. वैल्यूज को स्प्लिट कर दो, वैल्यूज को क्या कर दो स्प्लिट कर दो बस. तो स्प्लिट कैसे करेंगे इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं बेटा, देखो एक्स स्क्वायर माइनस वन एक्स माइनस वन एक्स, माइनस माइनस प्लस तो माइनस का टू एक्स हो जाएगा, माइनस वन इंटू माइनस वन क्या आएगा प्लस का वन. सिंपल, यहां पे एक्स कॉमन आ रहा है, यहां आएगा बेटा एक्स वन एक्स माइनस वन, माइनस कॉमन ले लो, यहां पे भी आएगा एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो. तो मेरे पास एक्स की वैल्यू क्या आएगी, माइनस वन कॉमन लिया ठीक है ना यहां पे, तो एक्स की वैल्यू आएगी मेरे पास वन. तो एक्स की दो वैल्यूज है, दोनों मेरे को क्या मिल रही है वन, तो एक्स की वैल्यू बेटा वन पुट कर दो. सिंपली एक्स की वैल्यू को क्या कर दो वन पुट कर दो. वन का क्यूब इज वन प्लस वन बाई वन, आंसर क्या आया घूम फिर के टू. तो मैंने क्या किया, जो हमें इक्वेशन दे रखी थी इसको मैंने किसमें लेके चला गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन में. यहां से मैंने क्या निकाल दिया इसके रूट्स निकाल दिए. इसके क्या निकाल दिए बेटा मैंने रूट्स. रूट्स क्या है मेरे पास एक्स इक्वल टू वन और दूसरा भी क्या है एक्स इक्वल टू वन. तो मेरे को पता चल गया मेरे एक्स की वैल्यू एक ही है वन ही है. तो मैंने वन को वैल्यू को पुट किया आंसर आ गया मेरा. कुछ भी नहीं करना, ना क्यूब लगा रहा ना कुछ, ना बड़े फॉर्मूले में जाना. क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मिडिल टर्म को स्प्लिट कैसे करते हैं हमने क्लास में कर रखा है. चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके 64 एक्स क्यूब माइनस 343, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा, सिंपल सा क्वेश्चन है. देखो ऑप्शन मैंने देखे सारे 4x माइनस 7 है. ये कैसे आया, हमें वैल्यू दे रखी है बेटा 64 एक्स क्यूब माइनस 343. ढंग से देखोगे ना जो दो मेरे को नंबर दे रखे ना दोनों किसी ना किसी के क्यूब है. ये किसका क्यूब है बेटा 4 का क्यूब है, ये किसका क्यूब है 7 का क्यूब है. तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना 4x का क्यूब माइनस 7 का क्यूब, लिख सकते हैं ना बिल्कुल सिंपली लिख सकते हैं. तो 4 का क्यूब क्या आएगा 4 4 जा 16 16 इंटू 4 64 एक्स का क्यूब इज एक्स क्यूब एंड 7 का क्यूब इज 343. तो यहां पे हमारे पास कौन सी आइडेंटिटी मिल रही है हमें, ए क्यूब माइनस बी क्यूब. ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर आ गया आंसर. बताओ कौन सा आंसर होगा जल्दी से, बस सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है बेटा. आपने कोई भी इतना टफ या इतना कोई है नहीं कि क्वेश्चन हम सॉल्व नहीं कर सकते उसको. तो मतलब पानी पी लेता हूं मैं. ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या था, ए माइनस बी बाकी सारी वैल्यू प्लस में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर बस. यानी ए माइनस बी, ए है मेरे पास बेटा 4x, 4x माइनस 7
ए माइनस बी ए स्क्वायर यानी 4x का स्क्वायर, 4 4 जा 16, x का स्क्वायर इज x स्क्वायर प्लस ए बी 7 4 जा 28 और x का x और प्लस बी स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर इज 49। तो आंसर कौन सा आ रहा हमारे पास, ऑप्शन नंबर ए 4x माइनस 7 ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट 16x स्क्वायर प्लस 28x प्लस 49। चलिए नेक्स्ट बेटा एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, नवरात्र के स्पेशल अवसर के ऊपर शौर्य भारत लेके आया है सभी शौर्य वीरों के लिए एक स्पेशल डिस्काउंट। जी हाँ आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, नवरात्र के 9 दिन यानी 7th ऑफ अक्टूबर 2021 से 15 अक्टूबर 2021 तक अगर आप कोई भी ऑनलाइन डिफेंस कोर्स शौर्य भारत डिफेंस यूट्यूब शौर्य भारत डिफेंस एग्जाम लर्निंग ऐप से आप बाय करते हो तो आपको उसके ऊपर मिलता है 33% का फ्लैट डिस्काउंट, ठीक है ना। तो एक बार मैं फिर से आपको बता देता हूँ, नवरात्रा के स्पेशल ओकेजन के ऊपर अवसर के ऊपर शौर्य भारत लेके आया फ्लैट 33% का डिस्काउंट। अगर आप कोई भी ऑनलाइन डिफेंस कोर्स 7 अक्टूबर या 15 अक्टूबर के बीच में खरीदते हो बेटा तो आपको उसके ऊपर मिलता है 33% का फ्लैट डिस्काउंट। ओके सिंपल सा फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ए प्लस बी ए माइनस बी कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी। चलो भाई कन्वर्ट 40 डिग्री टू रेडियन, 40 डिग्री को बेटा रेडियन में कन्वर्ट करो। हरी अप हरी अप जल्दी से जल्दी से गौतम सॉल्व इट। बहुत सिंपल है बेटा, डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट कैसे करते हैं। पाई बाय 180 से क्या कर देते हैं हम वैल्यू को इनटू कर देते हैं, हमें दे रखा है बेटा 40 डिग्री, इसको कन्वर्ट करना है रेडियन में यानी पाई बाय किससे इनटू कर देंगे 180 से। देखो 20 की टेबल से करो 2 टाइम, 20 की टेबल से करो 9 टाइम्स, नहीं कट रहा बिल्कुल नहीं कट रहा, तो आंसर आएगा आपका 2 पाई बाय 9 कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी सिंपल। तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं हम, मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180 डिग्री, ये हो जाता आपका रेडियन में कन्वर्ट। नेक्स्ट बेटा टेन ए हमें दे रखा है 15/18 तो कॉसेक ए क्या होगा। देखो टेन थीटा होता क्या है, टेन थीटा होता है हमारे पास बेटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, टेन थीटा हम किसको कहते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो थीटा कौन सा होगा ये होगा 90 डिग्री कहाँ पे होगा ये, तो ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी हमें परपेंडिकुलर दे रखा है 15 और ये दे रखा है, हमसे पूछा है कॉसेक ए, कॉसेक ए किसका उल्टा होता है जल्दी से बताओ, कॉसेक ए किसका उल्टा होता है बेटा साइन का, तो हमें पता है कि साइन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा इसका रिवर्स, तो कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, यानी परपेंडिकुलर तो मेरे पास है, ये मेरे पास परपेंडिकुलर है ये मेरे पास बेस है, मेरे को निकालना पड़ेगा हाइपोटेन्यूज, तो हाइपोटेन्यूज निकाले सबसे पहले, तो हाइपोटेन्यूज क्या होगा बेटा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर है मेरे पास बेटा 15 का स्क्वायर, बेस है मेरे पास 8 यानी कर दूंगा 8 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर इज 225 एंड 8 का स्क्वायर इज 64, इसको ऐड करो 982 289, अंडर रूट करोगे 289 किसका अंडर रूट होता है 17 का, यानी मेरे को हाइपोटेन्यूज यहाँ पे क्या मिलेगा बेटा 17,
अब बस मेरे को हाइपोटेन्यूस निकालना है, ठीक है, ये मेरा ए है, थीटा मान लिया, थीटा मानो, आप ए मानो, कुछ भी करो, यानी हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर मेरा आंसर होगा, यानी 17 अपॉन 15 मेरा आंसर होगा, क्योंकि कॉसेक थीटा क्या होता है, हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूस मेरे पास आया बेटा 17, परपेंडिकुलर मेरे पास कितना है 15, यानी आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी 17/15 इज द राइट आंसर। सॉरी, चलिए कॉस 30 डिग्री की वैल्यू जल्दी से बताओ, कॉस 30 डिग्री बेटा, कॉस 30 डिग्री होता है 1√3/2, कॉस 45 डिग्री 1/√2, कॉस 60 डिग्री 1/2, आंसर क्या आएगा हमारे पास, ऑप्शन नंबर ए 3/2। नेक्स्ट, ये टेबल आपको याद होनी चाहिए। ओके, जिस प्रकार चूहे का संबंध बिल्ली से है, उस प्रकार मक्खी का संबंध किससे है, गौतम गुड आफ्टरनून बेटा, हम रीजनिंग पे आ गए मैथ करते करते, पीछे वाले क्वेश्चन आपने देखे नहीं, वैसे देखिए चूहे और बिल्ली का संबंध क्या है, एक दूसरे की दुश्मन है, तो मक्खी किसकी दुश्मन होगी, मकड़ी की बेटा, ये तो रीजनिंग है। हाँ बेटा, आज जल्दी चलाई थी, आज मैंने 11:30 के, कल सेम टाइम होगा, आज मैंने, इसलिए मैंने मैसेज भी किया था क्लास स्टार्ट होने से पहले, इससे पहले के जो क्वेश्चन किए थे अगर फटाफट से आप देख लो, अच्छे क्वेश्चन थे आज, फटाफट से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये था, एक बार ट्राई करो, एक बार फटाफट से देख लो इसको कैसे करेंगे बताओ। एलजेब्रा के क्वेश्चन लिए थे कुछ हमने बेटा, एक्स प्लस 1/x = 2 दे रखा था हमसे, पूछा x³ + 1/x³, तो इसको कैसे सॉल्व किया, देखो हमने सिर्फ एलसीएम ले लिया, ये इसके बराबर दे रहे, एलसीएम लेंगे क्या आएगा यहां पर, x² + 1 = 2x, इस 2x को इधर ले आओ, यानी x² - 2x + 1, तो ये मेरे पास क्या बन जाएगी, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, ये क्या बन जाएगी, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बीच वाली वैल्यू को स्प्लिट कर दो, और बीच वाली वैल्यू को कैसे तोड़ते हैं, इस तरीके से तोड़ना है कि इंटू करने पे एक आ जाए और प्लस माइनस करने पे दो आ जाए, वो माइनस कर दो, तो मैंने इसको स्प्लिट किया बेटा, x² - 1x - 1x + 1 = 0, देखो -1 × -1 = 1, -1 - -1 = -2, इन दोनों में x कॉमन आ रहा है, x बाहर ले लेंगे, यहां आएगा x - 1, यहां माइनस कॉमन आ रहा है, अंदर क्या आएगा x - 1, यहां से x की मेरे पास दो वैल्यू आती है, और दोनों वैल्यू मेरे को क्या मिल रही है, x = 1, यहां पे भी x = क्या है 1, यहां पे भी x = कितना है 1, अगर x की वैल्यू 1 आ गई, इस 1 को सीधा यहां पे पटक दो, 1³ + 1/1 का³ = 1, आंसर आएगा 1+1 = 2, तो ये क्वेश्चन देख लेना गौतम, समझ में आया, ये जल्दी से बताओ। क्लियर है गौतम, ये चलो फिर नेक्स्ट था, ये 64x³ - 343, इसकी वैल्यू क्या होगी, बस मैंने इसको तोड़ा है बेटा, देखो इसको कैसे लिखा मैंने, 64 क्या है 4 का क्यूब होता है, तो मैंने इसको लिख दिया 4x³ - 7 का क्यूब, तो यहां पे फॉर्मूला आ जाता है a³ - b³, और a³ - b³ का फॉर्मूला ये रहा, a² + ab + b² वैल्यू को पुट किया आंसर आ जाएगा, कुछ एलजेब्रा के क्वेश्चन ले लिया आज मैंने, दैट्स इट।
ठीक है, और कल ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट कर देंगे। दूसरा था बेटा रेडियन में कन्वर्ट करना, हाँ वो मैं अभी सर आया नहीं बेटा, मैंने सर से पूछ के बता दूंगा, ठीक है ना, वो मैं आज कंफर्म कर लूंगा। अब देखो रेडियन से किसको कन्वर्ट करना है, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना। किसी भी डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए उसको पाई बाय 180 से मिंटू कर देते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे 40 डिग्री था तो 40 डिग्री को मैंने किससे कन्वर्ट इंटू मल्टीप्लाई कर दिया, पाई बाय 180 से, तो मेरा रेडियन क्या है 2π/9। फिर tan a की वैल्यू थी बेटा रूट सॉरी 5/18, तो tan थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये 15 था, ये 8 था, हमसे पूछा था cosec थीटा निकालो, cosec थीटा होता है अपने पास हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, यानी पहले मैंने हाइपोटेन्यूज निकाला पाइथागोरस थ्योरम से, हाइपोटेन्यूज मेरे पास आया 17 आती हाइपोटेन्यूज, आपका cosec थीटा क्या होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, तो 17/15 अपना आंसर हो गया। तो ये दे रखा था, ये परपेंडिकुलर दे रखा था, बेस दे रखा था, हाइपोटेन्यूज हमने निकाला, कॉस थीटा की वैल्यू होती है आपके पास ये। कोई ना, चलो फिर कोई ना, ठीक है। उसके बाद सिंपल से क्वेश्चन थे, अब मेडिसिन इज रिलेटेड टू वीकनेस, जिस प्रकार औषधि का संबंध कमजोरी से है उस प्रकार किताब का संबंध किससे है। भाई दवाई कब लेते हैं, जब आदमी क्या होता है कमजोर हो जाता है, तो किताब क्या करती है, तो मेडिसिन क्या करती है भाई, कमजोरी को दूर करती है, तो किताब क्या करती है ज्ञान को बढ़ाती है। तो ऐसे देखेंगे ना इसमें कि मेडिसिन क्या करती है, वीकनेस को ट्रीट करती है, कमजोरी को सही करती है, ताकतवर बनाती है दवाई, कमजोर आदमी को करती है, तो वैसे हम किताब का क्या बोलेंगे भाई, अज्ञानता खत्म करती है, मेडिसिन वीकनेस खत्म करती है, बुक क्या करती है इन लिटरेचर ही होता है ना, अज्ञानता उसको खत्म करती है, तो आंसर आएगा यहां पर ऑप्शन नंबर ए। एनालॉजी के क्वेश्चन है, कैलेंडर हमें क्या बताता है, डेट, तो बताओ सेम रिलेशन किसका है, समय व घंटा परियान बस को शब्द शहर पिन कोड। कैलेंडर में हम डेट देखते हैं, घड़ी में हम समय देखते हैं, ये तो नहीं होगा, शहर में हम पिन कोड देखते हैं, परिवहन बस नहीं नहीं ये भी नहीं है, कोश शब्द, शब्द कोश नहीं नहीं तो आंसर क्या आएगा भाई यहां पे, शहर व पिन कोड। कैलेंडर में हम क्या देखते हैं, घड़ी, तो शहर में हम क्या देखेंगे, पिन कोड, शहर किससे जाना जाएगा पिन कोड। प्राची वेरी गुड मॉर्निंग, इसका आंसर बता दो, पता नहीं हिंदी में आ गए, मैंने इंग्लिश का बोला था, कैलेंडर डेट बताता है तो मेरे को डिक्शनरी शब्द बताती है, शब्द कोश डिक्शनरी होती है ना, तो यहां पे मेरे को सी लग रहा है, शहर पिन कोड नहीं बताता, कैलेंडर डेट बताता है शहर पिन कोड नहीं बताता, परिवहन बस ना, यहां से आंसर तो सी लग रहा है भाई, कोश शब्द, शब्द कोश। सब लेट आए क्या करें, मैंने मैसेज तो सबको किया ही था क्लास के लिए, बट कोई ना, तो आज मैथ्स पे आया था, एक काम करते हैं फटाफट से मैथ्स स्टार्ट करते हैं। द ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ एनी टू नंबर इज 16, दो नंबर में कॉमन फैक्टर क्या 16 है, एंड एलसीएम इज, वेट अ सेकंड, करेक्शन कर देता हूं मैं, लो सोप एलसीएम, एलएसपी लिख दिया भाई ने मेरे, एलसीएम इज 160, इफ वन ऑफ देम इज 32 व्हाट विल बी द अदर नंबर। कोई नहीं क्लास देख लेना, 80 आ गया।
तो हमें दे रखा है ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर, हमें पता है भाई HCF into LCM is equals to होता है product of two numbers. आज की बात है, कल सेम टाइम पे क्लास होगी. तो HCF है 16, LCM 160, एक नंबर हमें दे रखा है 32, दूसरा नंबर हमें फाइंड करना है उसको x मान लो 16 से 2 टाइम्स एंड 2 से 80 टाइम्स, यानी सेकंड नंबर मेरे पास क्या आएगा 80, ऑप्शन नंबर डी 80. कोई नहीं, अभी मैथ्स के क्वेश्चन पड़े हैं, मैथ्स के क्वेश्चन कर लेंगे आराम से. What will be the area of 2 meter wide footpath built around a rectangle field whose length and breadth is 16 and 20 meter respectively? Try करो. हमें सिर्फ फुटपाथ का एरिया बताना है, गेस. ठीक है, हमारे पास एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, उसके चारों तरफ हमने क्या बनाया, एक 2 मीटर चौड़ा क्या बनाया, फुटपाथ बनाया है. हमें सिर्फ फुटपाथ का एरिया फाइंड करना है. लेंथ हमें क्या दे रखी है भाई, लेंथ एंड ब्रेथ 16 एंड 20. ये 20 ले लो और ये 16 ले लो. ये इधर 2 मीटर है, ये इधर भी 2 मीटर है, ये इधर भी 2 मीटर है और ये इधर भी 2 मीटर है. हमें सिर्फ फुटपाथ का एरिया निकालना है. तो क्या करेंगे, बड़े वाले रेक्टेंगल में से छोटे वाले रेक्टेंगल का एरिया माइनस कर देना. सिंपल कैलकुलेटिव है और कुछ नहीं. और एरिया रेक्टेंगुलर फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ. तो भाई देखो, ये 20 है तो ये यहां पे कितना है 2, ये यहां से लेके यहां तक 20 और ये कितना है 2, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, आप बोलो से टोटल हो जाएगा हमारे पास 24. चलो सेम केस यहां पे, ये 2, ये 16 और ये 2, तो टोटल कितना हो जाएगा, ये आप बोलो से टोटल हो जाएगा ये 20. तो बड़े वाले रेक्टेंगल का एरिया आएगा भाई लेंथ इनटू ब्रेथ, यानी 24 इनटू 20. छोटे वाले का एरिया क्या आएगा भाई, 16 इंटू 20, 24 इंटू 20 एंड 16 इंटू 20 माइनस. चलो भाई कर लो सॉल्व फटाफट से. ये आएगा अपने पास 480, माइनस कर दो 320, कट पिटा के कितना आएगा 061, 160 मीटर स्क्वायर. बिल्कुल सही कहा था. गुड, चलो सही है. नेक्स्ट, टू नंबर्स आर इन द रेशियो 10:7, इफ दैट डिफरेंस इज 105, देन व्हाट इज द सम ऑफ दोज नंबर. दो नंबर का रेशियो दे रखा 10 और 7, उनका डिफरेंस 105, तो उन दोनों का सम क्या होगा. हाँ सही है, सही है, गौतम कोई नहीं. ये भी हो जाएगा बिना कॉपी पेन के. तो तो दो नंबर का रेशियो दे रखा हमें 10x और 7x, इन दोनों का डिफरेंस कितना है 105. भाई अगर नंबर का डिफरेंस 105 है तो हम क्या कहते हैं, रेशियो हमेशा किसी ना किसी वैल्यू के इक्वल होता है, तो रेशियो का भी क्या ले लेंगे, हम डिफरेंस ले लेंगे. तो रेशियो का डिफरेंस कितना आएगा 3x. यहां से मेरे को पता चला भाई 3 यूनिट किसके बराबर है, 35 के बराबर है, तो 1 यूनिट किसके बराबर आ जाएगी अपने पास यहां पे 35 के बराबर. अब है पूछा दोनों का क्या पूछा है, सम. यानी पहला नंबर क्या आ जाएगा 10 इंटू 35, पहला नंबर आएगा बेटा 350, दूसरा नंबर कितना आ जाएगा 35 इंटू 7, 7 5 35 5 3 21 22 23 24 245. इन दोनों को ऐड कर दो, इन दोनों को ऐड करेगा आएगा अपना 595. कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए. सिंपल, या क्या बात है, गुड.
ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो, तो बताओ भाई ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब किसके इक्वल होगा, करो सॉल्व। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, ओ गौतम को याद है, अगर ए प्लस बी प्लस सी जीरो हो तो हमें पता है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब किसके बराबर होता है, थ्री ए बी के बराबर, थ्री ए बी सी के बराबर होता है, ठीक है ना। ये कब होता है, जब कंडीशन दे रखी होती है, कंडीशन कब, व्हेन आपको क्वेश्चन में दे रखा होगा ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, वरना इस पूरे को हम सॉल्व करते हैं। ओहो प्राची का भी चल रहा है आज तो, ये कंडीशन कब लगाते हैं हम, प्राची कल से है एनसीसी का कैंप, जब ए प्लस बी प्लस सी जीरो होता है तो हमें, नहीं बेटा चेंज नहीं हुआ सॉरी, बस आज आज के लिए है, जस्ट फॉर टुडे, सिर्फ आज आज मैनेज करना है और कुछ नहीं। तो आंसर क्या है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी, कल से सेम टाइम, सेम टाइम कल से, बस आज आज की बात थी ये। इफ द सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, फाइंड द सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, यार ये है, फाइंड द सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। अच्छा हाँ, कल से है ना, वही मैं कह रहा हूँ कल से है, तभी मैं कल से ट्रिगो स्टार्ट करा रहा हूँ, ट्रिग्नोमेट्री आज आ जाए, कल से ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट कर दूंगा। फाइंड द सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ ट्रायंगल, डायरेक्ट होता है सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 360। चलो सही है, कल है, अच्छा कल है एक क्लास, तो मेरे को कल क्या करा हूं मैं, मेरे को कोई बता दो कल क्या करा हूं मैं वो स्टार्ट करा देता हूं जो तीनों के आता हो, स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस। चलो स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन ले लूंगा, दुनिया भर के क्वेश्चन ले लेंगे, कर लेंगे सॉल्व। एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ ट्रायंगल का एक ही फॉर्मूला होता है बेटा, मतलब एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ ट्रायंगल का सम होता है 360 हमेशा, 120 120 120 ऑलवेज। चलो भाई नेक्स्ट, हाउ मेनी प्राइम नंबर्स आर अप टू 100 आर देयर, 100 तक कितने प्राइम नंबर्स हैं, 100 तक कितने प्राइम नंबर से, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है बताओ, बड़ा सिंपल है, गिनने बाद बैठ जाना, 100 तक कितने प्राइम नंबर्स होते हैं, ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी सिक्स ट्वेंटी एट नन,
25, 26 नहीं 25 होते हैं बेटा, 25 होते हैं, एक से 100 तक 25 प्राइम नंबर्स होते हैं, ठीक है। अब एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, करो सॉल्व। अब एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ 15 होल नंबर्स। फॉर्मूला है अपने पास बेटा ये, n कितने नंबर्स है, a फर्स्ट वैल्यू, l लास्ट वैल्यू बाई 2, लिख देता हूं n कितने गिवन नंबर्स है, a क्या है फर्स्ट वैल्यू और l है लास्ट वैल्यू। फटाफट से फॉर्मूला लगाओ, शुरू हो जाओ, मेरे को तीनों के आंसर चाहिए और एक जैसे आंसर आने चाहिए। कोई ना बेटा, ये तो रिविजन हो जाएगा फटाफट से। फाइंड द सम ऑफ 15 होल नंबर्स, फटाफट फॉर्मूला लिखा है, बराबर एक मिनट दे रहा हूं, तीनों के आंसर आने चाहिए लाइन से। जल्दी 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 जल्दी, 30 seconds to go। एक सौ पांच, चलो और कोई आंसर लिखूं मैं, 15 पहली वैल्यू 0, लास्ट वैल्यू 14 डिवाइडेड बाय 2, 0 प्लस 14 14, यानी 15 इंटू 14 बाई 2 7 और ये आएगा 105। अब देखो जिसने गलती की है वो बता देता हूं, सौरव होल नंबर्स बेटा 0 से स्टार्ट होते हैं, तो पहला नंबर क्या होगा, फर्स्ट वैल्यू क्या होगी तुम्हारी, 0 होगी और लास्ट वैल्यू तुम्हारी बेटा 14 होगी, यही गड़बड़ कर दी। होल नंबर्स कहां से स्टार्ट होते हैं तुम्हारे, 0 से स्टार्ट होते हैं बेटा, 0 से स्टार्ट होते हैं, दोनों ने गलत किया है। होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं तो पहली वैल्यू हमेशा 0 रहेगी, ये गलती एग्जाम में होती है, इसीलिए क्वेश्चन अलग से लिखवाया है। होल नंबर्स कहां से स्टार्ट हो रहे हैं, 0 से, तो पहला नंबर 0, दूसरा नंबर 1, 3, 4, 15वां नंबर कौन सा होगा 14, 50वां नंबर कौन सा होगा 49, नहीं लास्ट 15 नहीं होगी, क्योंकि स्टार्टिंग कहां से हो रही है, 0 से, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ठीक है ना, 15 वैल्यू में लास्ट कौन सी होगी 14 होगी, इसीलिए क्वेश्चन कराया है। याद रखना होल नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, ऑप्शन में 122.5 होगा, बच के रहना उससे, ठीक है। चलो फिर आज की क्लास को बेटा ये फिनिश करते हैं, वापस हम कल मिलेंगे, टिल देन थैंक यू, जय हिंद।